How I make wireless electricity transmission. वेल गाइस, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज कर रहा हूँ। आप इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉप से खरीद सकते हैं। अभी गाइस, हमें कॉपर वायर की एक रिंग बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर बॉक्स का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे किसी भी गोल चीज का यूज कर सकते हो। गाइस, इस रिंग को हम 13 टर्न्स में बनाएंगे, लेकिन पहले 15 टर्न के बाद एक लूप छोड़ेंगे, उसके बाद हम 15 टर्न फिर से लगाएंगे। सो गाइस, अभी आप यहाँ देख सकती है हमारी फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हमने 3 वायर्स को निकाला है। अभी गाइस, मैं एक और 30 टर्न्स का रिंग बनाऊंगा, लेकिन उसके बीच में कोई भी लूप नहीं छोड़ूंगा। अभी गाइस, हमारी दोनों ही रिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, तो इन्हें साइड में रखते हो। अभी हमें यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लेना है, जिसकी वैल्यू है 2N2222A एंड 27 किलो ओम का रजिस्टर भी लेंगे। अभी गाइस, हमें इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल है गाइस, मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम प्रोवाइड कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, उसकी मदद से आप बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से इसकी कनेक्शन कर सकते हैं। अभी गाइस, मैं सेकंड वाली कॉइल ले रहा हूँ, उसकी दोनों ही एंड्स में एक एलईडी को कनेक्ट कर दूंगा। अभी गाइस, हमें यहाँ पे कुछ इंडक्टर चाहिए, जो कि मैं खराब सर्किट में से निकाल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी खराब सर्किट नहीं है, तो आप मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस, इंडक्टर कुछ इस तरीके से दिखते हैं सर्किट के अंदर। अभी गाइस, मैंने सारे इंडक्टर्स को निकाल लिया, तो अभी मैं इसके ऊपर की ब्लैक कवरिंग को भी निकाल दूंगा। अभी गाइस, मैं सभी इंडक्टर्स में डिफरेंट कलर की एलईडीज को कनेक्ट करूंगा। सो गाइस, अभी फाइनली हमारा पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, तो अभी मैं मेन सर्किट में बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस, यहाँ मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी का यूज कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं सेकंड वाली कॉइल को इसके पास ले रहा हूँ, तो इसकी एलईडी काफी अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है। एंड गाइस, उसी तरीके से जब मैं इंडक्टर्स को इनके पास ले रहा हूँ, तो उनकी एलईडीज भी काफी अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है।